हेलो एवरीवन, आज का एक लीगल न्यूज जो सामने आ रहा है वो काफ़ी संगीन और पेचीदा है। हमारा यूथ किस दिशा में जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। आज का जो यूथ जनरेशन है उसको एजुकेशन से ज़्यादा पबजी की फिक्र होती है। पबजी की अगर भारत में पबजी बैन हो जाता है तो इस बात से हमारा यूथ बहुत परेशान हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हालिया जो एक मामला सामने आया है, एक यूट्यूबर, मैं जिसका नाम नहीं लूँगा, वो ये कह रहा है अपने YouTube चैनल पे जो लाइव स्ट्रीमिंग करता है गेमिंग का, वो ये कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के एक लीडर ने जब ये कहा कि अपने प्राइम मिनिस्टर से, भारत के प्राइम मिनिस्टर से, अरुणाचल प्रदेश के लीडर ने जब ये कहा कि पबजी को भारत में बैन कर दिया जाए, तो इस पे एक यूट्यूबर को पता नहीं क्या बुद्धि आया, क्या उसका सर घूम गया, वो इतना बेहुदा स्टेटमेंट दे दिया। अब उसका क्या कहना है, उस यूट्यूबर का ये कहना है कि जो अरुणाचल प्रदेश के लीडर ने जो ऐसा स्टेटमेंट दिया है पबजी को बैन करने का, अरुणाचल प्रदेश का वो तो नागरिक ही नहीं लगता है, दैट मीन्स कि वो भारत का नागरिक ही नहीं लगता है, अरुणाचल प्रदेश के लोग भारत के नागरिक ही नहीं लगते हैं, वो तो चाइना के तरह दिखने वाले लोगों के तरह लगते हैं, दैट मीन्स कि वो चाइनीज ही हैं। और साथ ही साथ उसने ये भी कह दिया कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का पार्ट है, वो चाइना का पार्ट है, और ऐसा उसने कह दिया। अब आपको जागरूक रखना मेरा दायित्व है। आप एक बात जान लो कि अगर आप नेशन के अगेंस्ट कुछ भी स्टेटमेंट देते हो, कुछ भी नेशन के विरुद्ध आप अपना बयान जारी करते हो तो एक अपराध है। और इस लड़के पे भी आईपीसी के सेक्शन 124A 153B 505(2) क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 के तहत मामला बन गया है। अब ये लड़का फंस गया है। अब इस पे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो जेल में जाएगा, सरेगा, देशद्रोह का मामला बन गया इस लड़के के खिलाफ। अब ये लड़का अपने नेक्स्ट वीडियो में आके बोल रहा है कि मुझसे गलती हो गई। अपराध हो गया ना, जब अपराध हो गया तो करने के पहले सोचना था। अब सजा भुगतो और उसके बाद तब समझ में आएगा कि देश के खिलाफ अगर आप लोग कोई भी बोलोगे तो आपके साथ क्या हसरत हो सकता है। तो याद रखिए, देश के खिलाफ कभी कुछ मत बोलिए, ये आपका दायित्व भी है। और अगर आप अपने दायित्व को नहीं पूरा करोगे तो याद रखना ये सेक्शन 124A 153B और 505 सबसेक्शन 2 IPC भारतीय दंड संहिता आप पे भी लागू हो जाएगा। तो इसी तरीके के लीगल अवेयरनेस के लिए, लीगल अपडेट के लिए इस चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से करो। थैंक यू सो मच आप लोगों का साथ देने के लिए।